कब हम ऑयल शामिल कर रहे हैं इसके अंदर। हाफ के जी हमने चिकन लिया है, इसमें ऑयल में शामिल करेंगे। टेस्ट के हिसाब से नमक शामिल करेंगे इसमें। हम इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर रहे हैं और इसका कलर चेंज होने तक के। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक लिया है और इसमें हमने थोड़ा पानी शामिल करा है, ये भी हम इसमें शामिल करेंगे। 7 से 8 हरी मिर्चें और इसमें कुछ लाल मिर्चें शामिल करी हैं हमने, ये भी हम इसमें डालेंगे। धनिया से हमने इन्हें चाप कर लिया है। मिर्चों के साथ अच्छी तरह हम भुनाई करेंगे इनकी, ताकि मिर्चों का फ्लेवर इसमें शामिल हो जाए चिकन में। ये देखें, अदरक लहसुन और हरी मिर्चों के साथ अच्छी तरह से इसकी भुनाई हो चुकी है। अब इसमें हम 1/2 प्याली टमाटर पीस के शामिल करेंगे। टमाटर के साथ हम इसे 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से भुनेंगे। 1 टीस्पून हमने कुटा हुआ धनिया लिया है, 1 टीस्पून हमारे पास कुटी हुई मिर्च है, 1 टीस्पून लाल मिर्च है पिसी हुई और 1/2 टीस्पून हल्दी ली है। तमाम मसाले इसमें शामिल कर देंगे हम, बस मिक्स करेंगे हम इसे और 5 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे इसे, ताकि मसालों का फ्लेवर इसमें शामिल हो जाए चिकन में। 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे देखते हैं। देखिए माशाल्लाह से ऑयल सेपरेट होने लगा है इसका। 1 टीस्पून जीरा लिया है, मोटा मोटा कूट लिया है, 1 टीस्पून काली मिर्च है इसे भी कूट लिया है, किसी भी ब्रांड का कढ़ाई मसाला लिया है 1 टेबल स्पून, 1/2 टीस्पून हमने गरम मसाला लिया है, 1 टीस्पून कसूरी मेथी लिया। ये तमाम मसाले हम इसके अंदर शामिल करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे हमने और हाई फ्लेम पे हम इसे पकाएंगे। 1/4 कप हम इसमें दही इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हम इसमें शामिल करेंगे। 4 से 5 स्लाइस हमने नींबू के इस्तेमाल करें इसके अंदर, अच्छी तरह से हम इसे मिक्स करेंगे। 4 से 5 टेबल स्पून हम इसमें क्रीम शामिल कर रहे हैं, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तैयार हो चुकी है और ऑयल जो है बिल्कुल सेपरेट हो चुका है माशाल्लाह से इसका, और बहुत ही प्यारा इसका कलर आया है। गार्निश के लिए हम इसमें धनिया इस्तेमाल कर रहे हैं, जूनियर कटी हुई अदरक शामिल कर रहे हैं, हरी मिर्चें हैं, कुछ लाल हैं और कुछ हरी हैं, ये दोनों शामिल करेंगे हम। 1/2 केजी से ज़्यादा हमारे पास ये चिकन है, सॉल्ट है और पानी हम 1 केजी से थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। ये हमने एक छोटे साइज़ की प्याज ली है जिसे हम साबुत डालेंगे यखनी में, और ये 2 लहसुन लिए हैं। 1 केजी से ज़्यादा चिकन थी जो हमने यखनी बनाई थी, उसमें से हमने अब इसको श्रेड कर लिया है, ये हम इसमें शामिल करेंगे। ये 1/2 कप ऑयल है हमारे पास, 1/2 कप से थोड़ा सा ज़्यादा है। ऑयल गर्म हो जाए तो हम इसमें, हमने 10 से 12 लहसुन लिए हैं, चॉप कर लिए उनको, ये शामिल करेंगे हम इसमें। फ्राई हो गए, अब हम इसमें हरी प्याज का वाइट वाला पार्ट डालेंगे। हरी प्याज हमने जो है 2 ली है, 1 प्याली मटर है हमारे पास, अब हम इसे शामिल करेंगे। प्याज इन्हें बारीक बिल्कुल चॉप कर लिया, अब हम इसमें शामिल करेंगे। इन्हें भी बारीक चॉप कर लिया है और हमने थोड़ी सी बंद गोभी ली है, इसे भी काट लिया हमने, शामिल करेंगे। ये 15 से 20 हरी मिर्चें, इसे भी हम इसमें शामिल करेंगे। चाइनीज़ नमक है 1 टीस्पून इस्तेमाल कर रहे हैं हम इसमें। ब्लैक पेपर है 1 टेबल स्पून इस्तेमाल करेंगे हम इसके अंदर, इसे मिक्स करेंगे हम। और ये सब हम मीडियम टू हाई फ्लेम पे बना रहे हैं। इसमें हम सिरका इस्तेमाल कर रहे हैं 1 टेबल स्पून के करीब, 1 टेबल स्पून हम इसमें सोया सॉस इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें 1 टीस्पून हम चिली सॉस इस्तेमाल करेंगे, इसको श्रेड कर लिया है, ये हम इसमें शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून के करीब हम इसमें नमक भी शामिल करेंगे। ये हरी प्याज है जो हमने रखी हुई थी, इसमें से हम आधी शामिल करेंगे, आधी हम गार्निश के लिए इस्तेमाल करेंगे। चिकन तैयार हो चुकी है। ये जो यखनी हमने अलग निकाली थी, नमक डालेंगे टेस्ट के हिसाब से, 1/2 टीस्पून से भी कम चाइनीज़ नमक डाला है इसमें। ये 1 केजी हमने चावल लिए हैं और ये गोल्डन बासमती चावल हैं, 2 घंटे हमने इसे भिगो के रखा हुआ था। हमारे चावल तकरीबन बॉयल हो चुके हैं, हम इसमें सारा मसाला मिक्स करेंगे, 7 मिनट के लिए दम देंगे। ये अंडा फ्राई कर रहे हैं हम इसे, ये भी हम अपने चावलों में शामिल कर रहे हैं। ये इसमें हम एग को शामिल कर रहे हैं जो हमने फ्राई करा है। और माशाल्लाह से उसका लुक देखिए कितना प्यारा आ रहा है, माशाल्लाह से देखें इसका कलर वगैरह, खिले खिले चावल देखें हमारे कितने खिले खिले बने। यखनी के साथ हम जब इसे बनाते हैं तो इसका टेस्ट बिल्कुल ही अलग निकल के आता है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छे बने।